मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने सेट थ्योरी में देखा था, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल पहले देख लें, उसके बाद उसका डेफिनेशन देख लेंगे कि जो रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ रो हो, एक ही रो हो, कितनी, ओनली वन रो, एंड नंबर्स ऑफ कॉलम हो। अब आप बोलोगे कि सर आप एक बार गिन के बताओ। चलो मैं आपको गिन के बता रहा हूँ, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको गिन के ही बताया हुआ है। चलो, रो कितनी है, टेढ़ी मीन्स कितनी लाइन है, सिर्फ एक ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वन। और अब कॉलम काउंट करो। चलो, कॉलम है 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो ये हुआ क्या, 1 रो और 4 कॉलम, तो 1 × 4। तो ये मैट्रिक्स कितने का हुआ, इसका ऑर्डर कितना है, कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, द 1/4। समटाइम फैकल्टी ऐसा भी बोलते हैं साइज क्या है, तो यहाँ पे ऐसा बोलना है 1/4। चलो, आपको यही सेम दूसरा एक मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कितनी रो है, तो एक ही रो है, कॉलम कितनी है, चलो काउंट करते हैं 1 2 3, टोटल 3 कॉलम है, तो 1/3। अच्छा, मैं आपको एक दूसरा मैट्रिक्स दे रहा हूँ, वो आपको करना है कमेंट। ओके, कमेंट में आप में लिखना है 9, आप डेटा तो कुछ भी लिख दो, 6 7, ये कितना ऑर्डर कितना है या साइज कितना है, वो आपको कमेंट में लिखना है। ओके, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सर रो तो एक ही होनी चाहिए पर कॉलम कितने भी ले सकते हो, यही हुआ ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच देर इज ओनली वन रो, एक ही रो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी भी कॉलम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रो एक होनी चाहिए, इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रो की जगह पे अब कॉलम मैट्रिक्स, सेम उसका उल्टा, कि जिसके अंदर एक ही कॉलम हो और मल्टीपल रो ले सकते हो। तो सर बताओ, एक बार गिनती करके बताओ। चलो मैं बता रहा हूँ, चलो इसके अंदर कितनी रो है हम देखते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ए के अंदर कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है। अब आप बोलोगे कि सर ये हर बार लिखने का ऐसे यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हो, नहीं, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, ये आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, ये 3 रो है, कॉलम कितनी है, सर कॉलम तो एक ही है, तो यहाँ पे कितना हुआ, पहले ऑलवेज रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं कि भाई कितनी, पहला ऑलवेज ये यहाँ पे क्या है, क्यों 3 को पहले लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ऑलवेज रोज लिखी जाती है और सेकंड ऑलवेज कॉलम लिखी जाती है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट यहाँ पे रो लिखा उसके बाद कॉलम लिखा, तो रो कितनी थी, 1 2 3, तो 3, कॉलम कितनी थी, 1, तो इसलिए 3/1। सेम सिचुएशन यहाँ पे। ओके, रो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, देखो 5 यहाँ पे 5 रो है, तो मैंने 5 पहले लिखा हुआ है, कॉलम कितनी है, सर एक ही है, तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम तो एक ही होगी। ओके, तो ये 5/1 हुआ। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, अब एक एलिमेंट मीन्स एक रो हुआ और एक ही कॉलम हुआ, तो 1/1 हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका यहाँ से हमको समझने को क्या मिला कि भाई कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम और नंबर ऑफ रोज ले सकते हो, तो यहाँ पे वो लिखा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच देर इज ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए, एंड एनी नंबर ऑफ रोज, कितनी भी ले सकते हो रोज को, इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, अरे सर सिंपल है, जो मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो, यहाँ पे कितने भी एलिमेंट ले लो पर सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। सर तो हम क्या ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या जिसके अंदर ऐसा हो, सपोज 0 0 0 0, 4 0 है। ओके, तो ये भी हमारा नल मैट्रिक्स ही है। ओके, या जीरो मैट्रिक्स, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। ओके, हाँ चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसका साइज कितना है, साइज में क्या है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि ऑलवेज काउंट करके लिखो, पहली रो दूसरी रो, यहाँ पे पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, तो 2 × 3, ये इसका साइज हो गया। ये लिखने की ज़रूरत, ये नीचे लिखना अच्छी बात होती है, अगर नहीं लिखा है, अगर ज़रूरत नहीं है तो चलेगा। ओके, यहाँ पे कितने बाय कितने का, ऐसा 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2/2। ओके,
तो ये तो हमारी बात हो गई जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में जो मैंने बोला कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो यहाँ पे है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, देखो लिखा है यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो, इट इज सेड टू बी ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर स्क्वायर जैसे नाम है वैसा ही है सब कुछ, जीरो तो जीरो सारे जीरो, स्क्वायर तो स्क्वायर किसको बोलते हैं सर, ये सर इसको स्क्वायर बोलते हैं कि जिसकी चारों साइड जो चारों साइड इक्वल होती है, चारों कॉर्नर इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि उस वो ये मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम का जो साइज होगा वो इक्वल होगा। अब आप बोलोगे कि सर काउंट करके दिखाओ, चलो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे रो एंड कॉलम इक्वल है ना, इसलिए हम इसको रो सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो काउंट करके देखते हैं, वन टू थ्री, तीन रो है कि कितनी कॉलम है, वन टू थ्री, तीन तीन कॉलम और तीन सॉरी तीन रो और तीन कॉलम। तो पहले रो लिखना है, तीन रो और ये तीन कॉलम, तो थ्री बाय थ्री हो गया, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसको बोलते हैं, चलो इसको इसका कितना बाय कितने का है, साइज कितना है, तो हम देख लेते हैं कि भाई पहली रो दूसरी रो, तो मीन्स दो रो है और कॉलम कितनी है, पहली कॉलम दूसरी दूसरी कॉलम, तो दो कॉलम। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट काउंट करूंगा, क्यों ये लिखना नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं, लिखना नहीं है, बस आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। चलो अब हाँ देखो, क्या हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, मैं आपको पूछूं तो सर जीरो मैट्रिक्स तो मालूम है पर स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोल सकते नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर, इसमें दो ही रो है और तीन कॉलम है, अगर इसको स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स बनना हो ना तो दोनों की साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके तो चलो हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर में स्क्वायर ही होगा ना, सर्कल थोड़ी होगा। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो, नंबर कितने हैं रो के, तीन, नंबर कितने हैं कॉलम के, तीन। तो अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आ गया स्क्यू सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये टाइम हो गया है 7:30 का हो गया है, अब एक काम करते हैं, ये दोनों थोड़ा थोड़ा लंबा चले ऐसा है, तो एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारी ये पूरी मैट्रिक्स की सीरीज़ देखिए और मैट्रिक्स का नॉलेज लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।